रक्षाबंधन पर्व पर कैंट पुलिस ने सीओ कैंट योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेलवे बस स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर 29 अगस्त की शाम से हम लोग गश्त कर रहे हैं। सभी थानों के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे बहनों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो और कोई अवांछित तत्व किसी से छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसके अलावा बस स्टैंड पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी व सादे कपड़ों में भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोगों को रक्षाबंधन की गोरखपुर पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। आज जितनी भी माताएं बहने बस में यात्रा कर रही है, सभी चालक है बहुत अच्छे से उनको सीट देंगे। आज सबका दायित्व है कि जो भी महिलाएं, हमारी माताएं और बहनें बस में यात्रा कर रही हैं, उनको अच्छे से सीट देके और आप उनके गंतव्य तक, की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने का भी पूरा प्रयास करेंगे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, सुबह 8 बजे से ही जो भी पुलिस फोर्स था, सभी की ड्यूटी अलग अलग स्थानों पे लगाई गई है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, जो भी ऑटो स्टैंड है, वहां पर महिला कांस्टेबल और कांस्टेबल्स की ड्यूटी अलग अलग लगाई गई। कुछ लोग सादे वस्त्रों में भी लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी अवांछित तत्व, किसी भी तरीके की कोई घटना या कोई भी छेड़छाड़ या किसी तरीके की कोई भी अवांछित चीज यहाँ पे ना होने पाए, इसके लिए पहले से ही तीन दिनों से बैक से भी ड्यूटियां चल लगी हुई है। आज सुबह क्योंकि जल्दी से लोगों का आवागमन शुरू हो गया है, इसीलिए सुबह जल्दी से ड्यूटियां लगी हुई है, सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं।